हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खुश हो? परेशान तो नहीं हो? परेशान नहीं हो ना? बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, थैंक यू सो मच। अगर आज आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोटा सा मिनी फेशियल। ये चीजें आपको जो नजर आ रही है ना, ये है एप्पल। आजकल जो मौसम है उसके हिसाब से जब भी एप्पल या कोई भी फ्रूट आप लेके आओ, इसको आपने अच्छे खासे पानी के अंदर नीम गर्म पानी में इतना ढक्कन भर के या 2-3 चम्मच जो है वो अंदर सिरके के डाल के विनेगर के आपने इसको जो अच्छी तरह वॉश करना है, थोड़ी देर इनको पड़े रहने देना, फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है। ये टिप थी, सही है? कोई भी फ्रूट है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, हर फ्रूट जो है ना, ग्रेप्स, हर फ्रूट को आपने धोना, बेशक उसका हार्ड छिलका, बेशक नहीं है, वायरस से आपको बचना, सही? अच्छा, अब जो फेशियल के लिए आपको चीजें चाहिए, आप नोट करो, नोट करो, नोट करो। आपको चाहिए रेड, जो मसूर की दाल होती है उसको आपने पीस लेना है। पहले भी मैंने आपको रेमेडीज में बताया, ये बहुत व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है, ये आपने यूज करनी है, व्हाइटनिंग आपको इफेक्ट देगी। रेड दाल, जो लाल वाली दाल मसरों की होती है, उसको आपने ग्राइंड करके पीस लिया। फिर आपको चाहिए ड्राई मिल्क, सूखा वाला दूध, कोई भी दूध ले सकते हो आप, जो सूखा वाला दूध होगा डब्बे का, किसी भी किस्म का दूध जो हो, मेरे पास साशे में है, आपके पास जैसे भी डब्बे में हो आपने, वो वाला मिल्क आपने लेना है, वो आपको चाहिए। फिर आपको चाहिए चिरौंजी, मैंने आपको पहले भी बताया था, चिरौंजी को मैंने इस तरह पीस के और इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके मैंने इसको फ्रिज में सेव किया हुआ है। एक ही दफा पीस लिया, आप थोड़ी सी थोड़ी रोज की रोज भी पीसना चाहते हो तो पीस लो, अगर आपको इफेक्ट देगा तो आप इकट्ठी एक दफा पीस के और इसको रख लेना, ये बहुत काम आएगी, बहुत स्किन की ट्रीटमेंट, स्किन के फूड है ये। मसूर की दाल, ये दूध, दही, चिरौंजी, लेमन, एलोवेरा, ये आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी स्किन के दोस्त हैं। फिर ये चिरौंजी आपको पीसी हुई चाहिए, ठीक है? फिर आपको चाहिए ऑरेंज, 2 चम्मच चाहिए। आपने जो है ना, ये आधा ऑरेंज जो है ना, इस तरह आधा ऑरेंज काट के तो इसको जो है ऐसे इसका जूस निकाल लेना, ये भी हमें चाहिए, और ये जो है ये आप खा लेना। फिर हमें चाहिए एप्पल, एप्पल को आपने ऑन द स्पॉट जो है ना वो कद्दूकश करना है। हमें थोड़ा सा एप्पल चाहिए, यानी 1 चम्मच हमें चाहिए। हमने थोड़ा सा एप्पल उतारा और उसको कद्दूकश किया, ये देखे कद्दूकश मैंने किया तो ये छिलका बच गया, और ये कद्दूकश करने के बाद जो है वो एप्पल की ये शक्ल हो गई, और ये देखो ये फुल टाइम जो है ना डार्क हो गया, ये एप्पल ये काला हो गया। मैं क्या करूं इसको अब ऑन द स्पॉट में, कैसे, जितनी देर मैं सेटअप कर रही थी ये तो बेचारा काला भी हो गया। अब आप, मैं ये अब अपने पैक में ये नहीं डालूंगी, अब आपने खुद डाल लेना, अच्छा, वरना देर हो जाएगी, मैं दोबारा करके लाऊंगा वो फिर काला हो जाएगा, सही है? अच्छा, ये आपको एप्पल चाहिए थोड़ा सा, 1 चम्मच के लिए। फिर आपको चाहिए एलोवेरा या ग्लैसरीन, मेरी खत्म हुई है आज आ जाएगी, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए खाली बॉटल ले आई हूं, मैं एलोवेरा में ही बना लूंगी, सही? फेस को आपने धोना है नीम गर्म पानी से, अगर आप चाहते हो बेस्ट इफेक्ट, ठीक है, पोर भी आपके क्लीज हो जाए, स्किन भी आपकी साफ हो जाए, फिर आपने क्या करना है, आपने एक देगचे में थोड़ी सी स्टीम ले लेनी है, पहले हल्की सी क्लींजिंग कर लो किसी लोशन से, नहीं तो दूध में लेमन डाल के, नहीं तो ये जो बचा हुआ है इसको अपने मुंह पे अच्छी तरह मल को स्क्रब करो अच्छी तरह, ठीक है? इसमें कोशिश करना इसमें जो है ये पल्प भी आ जाए, ये जो होते हैं ना, ये इसको जाया ना किया करो, अगर चूसते हो इसको भी निकाल के खाया करो, ये बहुत आपके स्टमक के लिए बेस्ट है, ठीक है? अच्छा, ये आपने जो है ना इसको मुंह पे मल लेना, 3 ऑप्शन बता दी, या क्लींजिंग से, मिल्क से, या क्लींजर से क्लींजिंग कर लो, या दूध में लेमन डाल के तब क्लींजिंग कर लो, या इसको मुंह पे मल लो अच्छी तरह। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने गर्म पानी में स्टीम देनी है अपने मुंह अंदर, थोड़ी देर देच के मैं ना दे ऊपर टावल लेके थोड़ी सी स्टीम ले लेना 5-7 मिनट की, नहीं ले सकते हट हराम हो आप, आपसे काम नहीं होते हराम तलब हो तो फिर आप ऐसे करना तो आप ऐसे करना, एक छोटा सा टावल उसको वेट करके थोड़ी देर माइक्रोवेव में 1 मिनट चलाना, और उसके बाद उस टावल को मुंह पे ऐसे लेके हल्की सी स्टीम ले लेना,
वो भी नहीं लेना चाहते, वो भी छोड़ दो ना लो, बिना स्टीम के भी हो जाएगा, हर किसी का मेरे पास इलाज है। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है एक खाली बाउल, आपने स्टीम ले ली है, आपने एक खाली बाउल में एक चम्मच जो है मसूर की दाल डालनी, एक चम्मच आपने डालनी है चिरौंजी, ये देखिए एक चम्मच पीसी हुई है, इसको फिर आपने दोनों को जरा सा मिक्स कर लेना। जब भी कोई पाउडर्ड वाली चीजें जो है कोई पैक बनाते हैं तो इसको पहले थोड़ी देर आपस में मिला लिया करो। अच्छा, एक चम्मच आपने इसमें, एक चम्मच आपने इसमें ड्राई मिल्क डाल दिया। ये तीनों चीजें जो ड्राई ड्राई थी ना, इनको तीनों को आपने मिक्स कर लिया पहले अच्छी तरह, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें दो चम्मच भर के, ये पल्प के साथ है ऑरेंज जूस, और ये एक चम्मच जो है ना एप्पल, एक चम्मच एप्पल का पल्प जो, अब मैं ये नहीं ऐड करूंगी, मैं बाद में ऐड करूंगी क्योंकि ये मैंने नहीं डालना, क्योंकि मुझे इसकी तसल्ली नहीं हो रही है, ठीक है, ये डार्क हो गया, सही है। आपने ये एक चम्मच एप्पल इसमें ऐड कर लेना, जितना थिक सी एक पेस्ट बन जाए उतना एलोवेरा। अब हम देखेंगे कितने से बन जाएगी। दो चम्मच आपने एलोवेरा डाल लिया। अब आपने इसको सेट होने के लिए रख देना है, जितनी देर मैं आपको बाकी चीजें बताती हूं, इसको 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। आप ऑलरेडी जो है फेस वॉश कर चुके हो, स्टीम ले चुके हो, अगर नहीं स्टीम ली तो सिर्फ खाली फेस वॉश से मुंह धो लिया है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बेस्ट इफेक्ट आए तो वीक में इस तरह एक दफा स्टीम के साथ कर लिया करो। अगर चाहते हो तो आधी ग्लिसरीन मिला लो और आधी जो है एलोवेरा मिला लो, अगर चाहते हो। जिनकी स्किन बहुत ड्राई है वो ग्लिसरीन ऐड करें, आधी और आधी एलोवेरा डालें। ये आपने चिरौंजी वैसे ही आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस नहीं रहने देगी, ये जो अगर आप हर रोज ये चीजें लगाते रहोगे तो आपकी स्किन ने वैसे ही खूबसूरत हो जाना। अच्छा, ये जो छिलका मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि ये देखिए ऑन द स्पॉट फटाफट सारा कुछ करने के बाद एंड पे जो है ना वो आपने एप्पल करना, ये एप्पल ऐसे डार्क हो जाएगा, पड़ा रहे, जब भी इसमें आयरन इतना ज्यादा आता है एप्पल, जब भी आप खाओ फटाफट खा लो, कोशिश करो हर फ्रूट छिलके के साथ खाओ। अच्छा, ये देखिए ये इसकी पेस्ट की शक्ल और इसकी जो है ना वो हैयत और शक्ल है, यानी इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक। अब आपने क्या करना है, पूरे नेक से लेके फेस तक आपने इसको थोड़ा सा लेके मुंह पे मसाज करना है, नेक पे मसाज करना है, ठीक। मसाज करते करते आपने 5 मिनट इसका मसाज करना है, अच्छी तरह आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, फिर उसके बाद आपने मोटा मोटा लेप सारे मुंह पे, आंखों के आसपास, पूरे यहां से लेके यहां तक जो बचे हाथों पे लगा लो, नहीं तो किसी और को दे दो, अपने भाइयों को, हस्बैंड को, और जो भी कोई घर में है उनको जो है ना, उनको भी अपने साथ साथ ये चीजें करवाया करो। ये फीमेल और मेल दोनों के लिए, लड़के लड़कियां, टीनेजर, हर कोई लगा सकता है, हर किसी को हक है वो खूबसूरत नजर आए। ओके, अपनी केयर करो, आपकी केयर आपने खुद करनी है, किसी और ने नहीं करनी। ये जूस है, इसको बाकी को पी लेना, इनसाइड आउटसाइड दोनों साइडों से ट्रीटमेंट होनी चाहिए, सिर्फ लगाना ही नहीं, इनसाइड से भी आपकी ट्रीटमेंट की जरूरत है। पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, सब्जियां खाओ और खुश रहो। और ये लगा के आपने 30 मिनट तक वेट करना, मर्जी आपकी, हर रोज लगाओ कोई मसला नहीं है, मर्जी है आपकी। स्टीम जो है सिर्फ एक हफ्ते में एक दफा देनी है, इस खाली पैक को आप हर रोज लगा सकते हो, सही। हर रोज लगाना चाहते हो हर रोज लगाओ, हफ्ते में 2 बार लगाना चाहते हो 2 बार लगाओ, जिसकी मर्जी है 3 बार लगाओ, कोई कैद नहीं है। जिस वक्त खुश्क हो जाएगा फिर दोबारा हल्का सा पानी डाल के हल्का 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 मसाज करना, ऐसे पोले पोले सॉफ्ट हाथों से, प्यार से। उसके बाद ठंडे पानी से आपने मुंह धोना, सही है। फिर आपने आइसिंग करनी, फिर आपने टोनर लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है और सनब्लॉक लगाना है। दिन में करना है तो सनब्लॉक लगाना है, रात को लगाना है तो नाइट क्रीम लगानी है। सारा कुछ मेरा ख्याल है मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि आपने जो है ऑन द स्पॉट इसको ग्राइंड करना है, कद्दूकस करना है, या जो भी पल्प है, जो नरम नरम एप्पल होते हैं ना उसको तो आप हाथ से भी कर लोगे, और अगर दूसरे वाले एप्पल है तो ये जो है ना
कद्दूकश कर लेना। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, कोई बात रह गई हो तो मुझे पूछ लेना आके। मेरी रेमेडीज को फॉलो करो, आपको बहुत बेस्ट वाले रिजल्ट मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी प्लेलिस्ट में रखो ताकि आपको दोबारा ढूंढनी ना पड़े। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बाकी सबका भी ख्याल रखूं। मैं फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। चलते चलते लव यू ऑल, बाय शाय, अल्लाह हाफिज। खूबसूरत आपने अपना ख्याल रखना है। आप बहुत सारे, मैं थोड़ी सी है ना।